जो पहले हिंदू लोग किसी भी कारण से लालच में या दबाव में इस्लाम मजहब में चले गए थे, तो उन लोगों के बीच में हमने जा कर के अपने विचार रखे और हमारे विचारों से वे प्रभावित हुए, तो उन्होंने फिर हिंदू धर्म स्वीकार करना स्वीकार कर लिया। चार परिवारों ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में कर ली घर वापसी। मायावती की सरकार में बनाए गए थे मुस्लिम, अब योगी सरकार में फिर सभी परिवारों ने कर ली घर वापसी। क्या पश्चिम में हिंदुओं का डर खत्म हो रहा है? योगी आदित्यनाथ के आने के बाद पश्चिम में हिंदू खुद को महफूज महसूस करता है। जो लोग कुछ साल पहले तक मायावती और मुलायम की सरकारों में भटक गए या उन्हें मजबूरन भटका दिया गया, उन लोगों को अब लगता है कि दोबारा से हिंदू धर्म अपनाकर खुले आसमान में सांसें ले सकते हैं। योगी आदित्यनाथ कौन है, इस बात का अंदाजा आप इन परिवारों की तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये सभी परिवार आज से 12 साल पहले मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि ये उनकी भूल थी और अब वो हिंदू धर्म में वापस आकर खुली सांस ले सकते हैं। इसके पीछे एक पूरी कहानी है, उस कहानी को भी समझाएंगे, लेकिन उसके पहले इस परिवार के बारे में जान लीजिए। करीब 1819 लोग हैं जो शामली जिले के हिंदू परिवार थे, लेकिन मायावती की सरकार में उन्हें जबरन मुस्लिम बनाने के आरोप लगे। अब ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में हिंदू बनकर वापस घर वापसी कर रहे हैं। ये मामला जनपद शामली के थाना कंथला क्षेत्र के मोहल्ला राय जातगान का है। यहाँ की रहने वाली युवक राशिद का कहना है 12-13 साल पहले उसके माता पिता मुस्लिम बन गए थे, लेकिन वो मुस्लिम नहीं बना रहना चाहता, इसीलिए उसने अपना नाम राशिद से बदलकर विकास रख लिया। अब उस कहानी के बारे में बताते हैं जिस कहानी के बारे में ऊपर जिक्र किया गया है। कुछ साल पहले तक खास तौर से उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाके में हिंदू परिवारों का पलायन आम था। हिंदू परिवारों पर जुल्म करना आसान था। कैराना के कई घरों के बाहर आपने कई तरह के पोस्टर देखे होंगे जिसमें ये लिखा था कि ये घर बिकाऊ हैं, और ये उन्हीं घरों पर पोस्टर लगे होते थे जिन घरों में हिंदू रहते थे। लेकिन योगी के आने के बाद कहानी बिल्कुल बदल गई। पोस्टर तो कभी कभार दिखते हैं, लेकिन जबरन कोई भी किसी धर्म में जाने या आने को लेकर मजबूर नहीं कर सकता। क्या योगी आदित्यनाथ के आने के बाद आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर से हिंदू समाज के लोगों को पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी है? या आप ये बताएंगे कि पहले हालात क्या थे, अब हालात कैसे थे? आप कमेंट कर बता सकते हैं। आपको याद होगा कि साल 2013 में उस वक्त तत्कालीन सरकार सपा की थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। मुजफ्फरनगर में एक तरफ दंगा हुआ, दंगे के बाद सैकड़ों परिवारों ने पलायन किया, उसमें हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे। जिस मोहल्ले में जो बहुल था उसके आगे अल्पसंख्यक जाने को मजबूर हुए, चाहे वो हिंदू था या मुस्लिम था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद पश्चिम में किसी बड़े डर को खत्म किया गया, जिसके कारण ना तो हिंदू पलायन करने को मजबूर है ना ही मुस्लिम करते हैं। आगे आपको जल्दी दिखाएंगे, मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था लेकिन सैफई में डांस पे समाजवाद नाच रहा था। आप बने रहे ग्लोबल भारत के साथ।